एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक खलधर ने तृणमूल से इस्तीफा दिया, बोले जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा था। सिलीगुड़ी की रैली से ममता बनर्जी का बड़ा चुनावी वादा, चाय बगान में काम करने वाले 3 लाख मजदूरों को घर बनाने में मदद करने का ऐलान। बजट में बंगाल के लिए 25,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट के ऐलान से गरमाई राजनीति। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, ममता की औकात नहीं, हम करेंगे बंगाल का विकास। कोलकाता से बागडोरा के लिए उड़े स्पाइसजेट विमान के केबिन में आग लगी। विमान को सुरक्षित कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारा गया। फ्लाइट में कई 69 लोग सवार थे। 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद मुंबई में बहाल हुई लोकल सेवा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ अब सबको सफर करने की छूट। कोरोना के चलते पिछले साल 13 मार्च को बंद हुआ राष्ट्रपति भवन 6 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। शनिवार और रविवार को घूम सकेंगे आम लोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की बूंदे पिला दी गई। प्रशासन ने शुरू की लापरवाही की जांच। यूपी के सुल्तानपुर में 151 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर खीरी में गांव के करीब घूमता दिखा बाघ। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से बाघ को वापस जंगल में खदेड़ा। राजस्थान के भरतपुर में रंगदारी मांग रहे बदमाशों ने क्रशर संचालक की लाठी डंडों से पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल के कुर्ला से 5 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। 26 लाख रुपए कीमत की 130 किलो गांजा बरामद। त्रिपुरा पुलिस ने असम बॉर्डर पर 2 लोगों को 1200 किलो गांजे के साथ पकड़ा। बरामद गांजे की कीमत 1,20,00,000 रुपए। अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में एक फाइनेंसर ने अपनी पत्नी और 4 साल के बच्चे को गोली मारी। हत्या के बाद खुद भी सुसाइड किया। मुंबई से सटे ठाणे के हरिहर कंपाउंड में गोदाम की इमारत ढही। 7 से 8 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। यूपी के बनारस में अपहरण के बाद 9 साल के बच्चे की हत्या। शव को घर के पास फेंका। बदमाशों ने 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। फटाफट अंदाज में कुछ और अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। म्यांमार में सेना ने 1 साल के लिए अपने हाथ में ली सत्ता। कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी इमारतों पर सैनिकों का कब्जा। माइंडस्वे बने म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति। पूरा कंट्रोल सेना के पास। आंग सान सू की पार्टी ने जनता से कहा, सैन्य तानाशाही का जमकर विरोध करें। म्यांमार की सेना का ऐलान, इमरजेंसी खत्म होने के बाद होंगे चुनाव। चुनाव आयोग में भी किया जाएगा सुधार। भारत ने जताई म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर गहरी चिंता। कहा, कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना बहुत जरूरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के साथ फिर बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल में भी कुछ जगहों पर तेज बर्फबारी के आसार। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर कल हो सकती है बारिश। परसों दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी। यूपी, बिहार, एमपी और बंगाल समेत देश के कुछ हिस्सों में अभी रहेगा कोहरा। 2 दिन तक यहां शीतलहर भी जारी रहेगी। अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने तक मोबाइल फोन नहीं छुएंगे आमिर। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी टीम ही हैंडल करेगी। 64 साल के हुए जैकी श्रॉफ। पत्नी आयशा ने इंस्टाग्राम पर जैकी की तस्वीर डाली और लिखा, दुनिया के सबसे बड़े दिलवाले इंसान को शुभकामना। एंटरटेनमेंट की कुछ और खबरें जान लीजिए। अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी की पहली फोटो शेयर की। बताया, बेटी का नाम रखा है वामिका। विराट ने लिखा, मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम में। पहली बार पर्दे पर साथ दिखेंगे आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह। आयुष्मान की कॉमेडी फिल्म डॉक्टर जी में रकुल की एंट्री हुई। बधाई 2 के सेट पर राजकुमार राव ने खेला क्रिकेट। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। देहरादून में फिल्म की शूटिंग हो रही है।
आज से एमपी के महेश्वर में शूट होगी विकी कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म यशराज की फिल्म से। तुषार कपूर ने मां शोभा कपूर के बर्थडे पर शेयर की पुरानी तस्वीर जिसमें केक के बगल में बचपन के ऋतिक भी दिख रहे हैं। रॉनल्ड रॉय की 5 साल बाद होगी टीवी पर वापसी, क्राइम बेस्ड शो जुर्म और जज्बात करेंगे होस्ट। भारत और इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, टेस्ट सीरीज के लिए चेन्नई में आज से अभ्यास शुरू करेंगे। बीसीसीआई के फैंस, बड़ी खुशखबरी, भारत इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से 50% दर्शकों की एंट्री स्टेडियम में हो सकती है, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 5 फरवरी से शुरू हो रही है भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज, शुरुआती 2 मैच चेन्नई में, पहला टेस्ट बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा। गौतम गंभीर ने कप्तान विराट को टेस्ट का शानदार कप्तान बताया, कहा उनके वनडे या टेस्ट कप्तानी पर कभी सवाल नहीं उठाया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर का बड़ा बयान, कहा पहले टेस्ट में जैक लीच के साथ स्पिनर मोइन अली प्लेइंग 11 में नहीं हुए तो टीम गलती करेगी। बजट में भी टीम इंडिया छाई रही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऑस्ट्रेलिया में मिली ऐतिहासिक जीत का जिक्र किया, पूरी टीम को बधाई दी। नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में 50 किलो की वेट कैटेगरी में हरियाणा की मीनाक्षी बनी चैंपियन, कहा WWE के जॉन सीना से प्रेरित होकर कुश्ती में आई। ABP News, आपको रखे आगे।